खुद से अगर आई मेकअप करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है आई शेडो लगाने से पहले अपना आई शेप समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ आई के कौन से पार्ट हैं आईलिड के ऊपर क्रीज एरिया का है इनर कॉर्नर का है हाइलाइटिंग शेड कहाँ लगाना है ये सारी बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं तो अगर आप खुद से मेकअप करना सीख रहे हो आई मेकअप की शुरुआत कैसे करें वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्टेडियोन दिस इज अ कंप्लीट आई मेकअप टूटोरियल स्टेप बाई स्टेप गाइड वीडियो और इसमें सबसे पहले आप मैं अपना आई शेप शेयर कर रही हूँ आप देख सकते हो मेरी है पार्शल होडेड आइज अब पार्शल होडेड आइज़

अगर आप बिगनर हो और पहली बार आपको आई मेकअप की शुरुआत करनी है अब इस पेंसिल की मदद से मैं अपने लिड एरिया के ऊपर हल्का सा उसको प्रेस करके देख रही हूं कि मेरा आई का जो बोन है और आईबॉल एरिया कहाँ से अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है और उस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया है अब इससे मुझे एक अंदाज़ा हो गया ये है मेरा रियल क्रीज एरिया और अगर मुझे आई शेडो एप्लीकेशन करना है आई का शेप इन्हांस करने के लिए आँखों को बड़ा दिखाने के लिए तो मुझे क्रीज शेड यहाँ पे प्लेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक मैट शेड पिक करा है क्रीज एरिया में हमेशा मैट आई शेडो ही लगाना है लाइट पिंक लाइट ब्राउन लाइट पीच लाइट कोरल लाइट शेड का इस्तेमाल करना है आज की वीडियो में मैं ब्राइट शेड यूज करूंगी ताकि आपको एप्लीकेशन क्लियर दिखाई दे सो यहाँ पे मैंने इस शेड को प्लेस करा पहले सेंटर पार्ट पे फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ बाहर और अंदर की तरफ जब आप ब्लेंड कर रहे हो पहले शेड को तो आपको उसको ब्लेंड करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है और ब्लेंड करते समय उसको एकदम बाहर की तरफ नहीं लेके जाना नहीं तो शेड एकदम मसी हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा पूरा ऊपर की तरफ सो इफ़ यू आ फर्स्ट टाइम यू आर अ बिगिनर तो पहले आप अपने आई एरिया को मार्क करो पेंसिल के साथ आईब्रो पेंसिल यूज़ कर लो ब्राउन काजल यूज़ कर लो और देन दूसरी आँख के ऊपर सिमिलर वे में शेड को प्लेस करके फिर आप प्रैक्टिस करो क्रीज शेड प्लेस करने के बाद दूसरा शेड आपको लगाना होता है आउटर कॉर्नर पे अब आइज़ का आउटर कॉर्नर आउटर वी पे जो शेड लगाना है वो कितना प्लेस करना है उसके लिए आप आउटर वी को इस तरह से मार्क कर लें जैसे मैंने किया है अपनी आईज का जो अंदर वाला वाइट पोर्शन है बाहर की तरफ वो कितना है उसके हिसाब से आपको ऊपर की तरफ लाइन क्रिएट करनी है जो अंदर वाला वाइट पोर्शन है वहां से हम इनर कॉर्नर देखेंगे और बाहर वाला वाइट पोर्शन उससे हम आउटर वी या आउटर कॉर्नर डिसाइड करेंगे आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड प्लेस करना है मैट शेड प्लेस करना है मीडियम ब्राउन यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगनर हो ब्लैक अवॉइड करना स्टार्ट करना ब्राउन के साथ ही देन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे देन गो फॉर अ ब्लैक शेड तो यहाँ पे मैंने एक डार्क ब्राउन शेड प्लेस करा है फिर मैं उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले गई हूँ एक वी जैसा बना दिया मैंने और ये मेरा आउटर वी हो गया अब इनर कॉर्नर के लिए मैंने एक और लाइन क्रिएट की है अगेन जो मेरे आँखों के नीचे की तरफ जो वाइट पोर्शन है आई बॉल को छोड़ के उसके हिसाब से मैंने ऊपर से लाइन लगाई और ये हो गया मेरा आईज का इनर कॉर्नर और लिट स्पेस अब यहाँ पे शेड कौन सा लगाना है कैसा लगाना है मल्टीपल वेरिएशन यहाँ से आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो जो डार्क शेड लगाया उसको अगेन ब्लेंड करते हुए आगे की तरफ ला सकते हो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ तो इसको आपको इवनली ब्लेंड कर लेना है और अगर आपको ब्लेंड करते हुए डार्क शेड आगे नहीं लेके आना तो इसके बाद पूरे का पूरा जो इनर कॉर्नर है और जो लिड स्पेस है उसके ऊपर आप डायरेक्टली शिमर शेड भी लगा सकते हो तो जितनी भी आपकी आई मेकअप की वेरिएशन आएंगी वो यहाँ से आएंगी और इसके बाद आप अलग अलग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ पे इस शेड को मैंने ब्लेंड करते हुए आगे की तरफ लिया और थोड़ा सा मैंने इनर कॉर्नर पर भी शेड को अप्लाई कर दिया अब आएगा लिड स्पेस लिड स्पेस के ऊपर आप लाइट शेड लगाएं शिमरी शेड लगाएं गोल्डन यूज कर सकते हैं शैम्पेन शेड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैं लाइट पीच शेड यूज कर रही हूँ जो ब्राउन के साथ एकदम कॉन्ट्रास्ट में है और ये जो शेड है ये आपको अपने क्रीज एरिया के अंदर अंदर ही लगाना है जब मैंने ब्राउन शेड को दोबारा ब्लेंड करा था तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्रीज़ में दो शेड हो गए थे तो जो शिमरी शेड लगा रही हूं वो इन दोनों शेड्स के अंदर अंदर ही प्लेस करना है नेक्स्ट स्टेप में आएगा ब्राउ बोन शेड ब्राउ बोन शेड एकदम आप आईब्रो के नीचे अप्लाई करोगे और स्लाइटली उसको अंदर की तरफ लेके जाओगे यहाँ पे आप लाइट साटर्न शिमर शेड यूज़ कर सकते हो लाइक शैम्पेन शेड सिल्वर गोल्डन जिस तरह का आपका आउटफिट है या आई मेकअप का टोन है उस हिसाब से आप शेड प्लेस करें यहाँ पे मैंने गोल्डन शेड प्लेस करा एंड देन फिंगर टिप के साथ मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है एंड इसके बाद नेक्स्ट है लोअर लैश लाइन अब नीचे की जो पलके हैं उनके नीचे भी आपको शेड लगाना होता है तभी आपका आई मेकअप जो है वो कंप्लीट दिखाई देता है इसके लिए एक स्मॉल प्रसाइज ब्लेंडिंग ब्रश इस्तेमाल करें और उसके साथ शेड को पिक करते हुए ऊपर की तरफ देखें एंड देन बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ ब्रश को अगर आप मूव करोगे तो आपका लोअर लैश लाइन शेड जो है वो इजीली अप्लाई हो जाएगा अब लोअर लैश लाइन के शेड को बाहर की तरफ लेके जाते हुए जो आउटर वी है उसके साथ स्लाइटली ब्लेंड कर दें ताकि आई मेकअप जो है ओवरऑल इवन दिखाई दे आज के आई मेकअप के लिए जो पैलेट मैंने यूज़ करा वो है मास्क कस्मेटिक का जश्ने श्रृंगार आई पैलेट जिसमें मैट साटन और शिमर शेड्स अवेलेबल हैं जो हाईलाइटिंग शेड आपने बोन पे लगाया उसको इनर कॉर्नर पर भी प्लेस कर ले इससे आंखें थोड़ी और खुली ओपन और बड़ी दिखाई देंगी देन जस्ट यहाँ पे मैं आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं या पार्शल हुडेड आइज़ हैं तो बहुत ही फाइन और पतला लाइनर लगाएं। जैसे यहाँ पे मैं एकदम क्लोज टू तो द लैश लाइन जो मेरी पलके हैं एकदम उनके पास पास बारीक और पतला लाइनर लगा रही हूँ हुडेड आइज़ हैं तो बहुत ही छोटा विंग बनाएं बाहर की तरफ मोटा विंग बनाने से अगेन आपका जो लिड एरिया है वो विंग में ही कवर हो जाएगा सो दिस इज़ अनदर टिप अप्लाई वेरी थिन फाइन आई लाइनर और आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद आप इस तरह से एक फ्लैट ब्रश के ऊपर कंसीलर की मदद से अपने आई मेकअप को और ज़्यादा शार्प दिखा सकते हो इस आई मेकअप गाइड वीडियो से आप आई मेकअप सीखने की शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको आई मेकअप के और डिफरेंट आइडियाज़ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ब्यूटिफुल आई मेकअप वीडियोज़ के लिंक दिए हैं आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग